पता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पृष्ठ तनाव पर आधारित एक प्रैक्टिकल है, प्रयोग है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आज हम एक ये मेरे पास जो पत्ता है इसको नाम देते हैं अरुई का पत्ता, और इस पर मैं आज लिख करके दिखाऊंगा कि पानी की बूंद क्यों नहीं स्पर्श होती या इस पत्ते को पानी क्यों नहीं भिगोता है। ठीक है, आइए हम इसको करके देखते हैं। तो मैंने जैसा कि पानी ले लिया और ये पत्ता ले लिया है, अब इस पर मैं पानी की एक बूंद इस पर डालने जा रहा हूं। देखिए, ठीक है, ये पानी की बूंद आप सबको दिखाई दे रही होगी, देखो सबको दिखाई दे रहा है, आज तक सबने देखा हो, लेकिन ये पानी की बूंद इस पर बस ऐसे ही घूमती रहती है, इस पत्ते की भिगोती नहीं है, कारण नहीं जाना होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज इसका कारण बताने जा रहा हूं। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था सत्संजक और असंजक बल, प्यारा वाले सत्संजक बल और असंजक बल, तो इसमें देखिए दो अलग अलग मटेरियल है, एक पानी है एक पत्ता है, तो दो अलग मटेरियल हो गए। तो जब दो अलग मटेरियल के बीच फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं असंजक बल और इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, और देखिए ये जो पानी है और ये पत्ता, पानी और पत्ते के बीच लगने वाला जो असंजक बल है वह कम है, किससे पता आपको, सहसंजक बल। अब सहसंजक बल क्या होता है, जब दो वस्तुओं, दो समान वस्तुओं, दो समान पदार्थों के बीच लगने वाला बल होता है उसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। एक समान, समान समान तो सहसंजक, और अलग अलग तो असंजक। ठीक है, तो यहां पे देख रहे होंगे आप कि पानी है, तो पानी और पानी के बीच लगने वाला सहसंजक बल, पानी और पानी के बीच लगने वाला सहसंजक बल असंजक बल से ज्यादा है, जिसके कारण पानी का एक कण जिधर जा रहा है बाकी सभी कण उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, और ये पानी एक मोती की तरह इधर से उधर टहल रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका एक ही कारण है, पत्ता और पानी के बीच लगने वाला असंजक बल पानी और पानी के बीच लगने वाले सहसंजक बल से कम है। ठीक है, सहसंजक बल ज्यादा है, असंजक बल कम, समझ आ गया। चलिए, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहेंगे। धन्यवाद।